हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जॉन। इस वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है यूजी पीजी कोर्सेज स्कूल कोर्सेज में 19169 का तो निकल गया है, लेकिन वो अब पोस्टपोन्ड तो हुआ नहीं है, लेकिन उसमें अब लफड़ा चल रहा है। लेकिन 11th का और यूजी पीजी कोर्सेज का कब फॉर्म निकलेगा मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आया हुआ है। लेकिन मैं आपको करना है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म्स है वह जो लगभग जो फॉर्म्स तो अपने डेट पर ही निकलेगा, लेकिन एग्ज़ाम्स में लेट हो सकता है। फॉर्म तो वो जो आएंगे फॉर्म्स वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मई आ जाएंगे। लगभग आपको 15 to 20 डे इंतज़ार करना होगा, उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। लेकिन फॉर्म के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो आपका टाइम पर ही एग्ज़ाम्स ले ले, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, और एडमिशन लेते लेते सितंबर अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है। लेकिन सेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है, CUCET का भी मुद्दा काफ़ी चल रहा है। 41 यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम CUCET लेंगे, लेकिन अभी सभी CUCET का लेना नहीं है, ले नहीं सकते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको तैयारी करना, उसमें दो एग्ज़ाम्स होंगे। पहला एग्ज़ाम्स में लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, क्वांट्स होगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वर्बल रीजनिंग, क्वांट्स एप्टीट्यूड पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा। सब से मिलाकर 50 का वेटेज, दोनों का जो वेटेज दिया जाएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा इसी का वेटेज होगा, आपका वेटेज 12th का मार्क्स का भी होगा। CUCET में आप जितना गेन करते हैं मार्क्स, दोनों को मिलाकर जो कट ऑफ बनेगा उस हिसाब से आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, तो आपसे कोई संस्थान मिल जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो कोर्स चाह रहे हैं वही कोर्स में एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप B.tech चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको B.tech में ही एडमिशन मिल जाए। B.tech में नहीं मिल सकता। जो PhD के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म है वो तो अभी निकलेंगे नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं इस बार स्पोर्टली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बोले वो बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी जो वहाँ का सभी बच्चे को जो चल रहा है कोरोना का ज़्यादा चल रहा है केसेस, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल के स्टूडेंट उन सभी को बोल दिए जल्दी से हॉस्टल्स खाली कर देना। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि ऐसा करना 100% सही है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हॉस्टल में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जिससे उन सभी को पढ़ाई से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी की मांग है, इसीलिए उसे हॉस्टल से निकाला। BHU भी सेम यही प्रोसेस कर रहा है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी यही कहा है कि सभी हॉस्टल्स को खाली कर दिया जाए। लेकिन आपको जो जामिया मिलिया इस्लामिया भी, उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया हुआ है कि जो स्टूडेंट अभी जो यूजी पीजी कोर्सेज की तैयारी, उनको सबसे अभी कम्प्लीटली ध्यान जो है उसे अब देना पड़ेगा CUCET पर ही कम्प्लीटली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि CUCET के ही थ्रू एडमिशन होगा। लेकिन जो स्टूडेंट पर्सनली B.tech में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उनके लिए सबसे पहला है कि आप GMAN जो अभी तो थर्ड फेज पोस्टपोन्ड हो गया है GMAN का, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में GMANs का दिए हैं उनका एडमिशन GMANs के थ्रू हो जाएंगे। आप बहुत लोग बोलते हैं कि GMANs में कितना स्कोर करना चाहिए, मैं GMANs में बता रहा हूँ आपको मिनिमम GMANs में 75 to 80 करना है कोर्स। 75 to 80 आप अगर कोर्स करते हैं GMANs में आपका एडमिशन हो जाएगा। मिनिमम रैंक आप बोलिए रैंक कितना होगा, तो रैंक कम से कम आप अगर जो जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको 1 lakh के कैटेगरी से कम आना होगा। 1 lakh से अगर आप 1 lakh से नीचे रैंक लाते हैं, अंडर द 1 lakh रैंक आता है आपका, तो एडमिशन B.tech में जामिया मिलिया इस्लामिया में हो जाएगा। लेकिन वही अगर बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो सब यूनिवर्सिटी में CUCET के थ्रू से जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी तो यही चल रहा है कि वहाँ के जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने बोल दिया कि ताकि वहाँ से जो कोरोना के केसेस कम हो सके। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स होगा वह भी फॉर्म जो 100% चांस है फॉर्म निकलने के, वह फर्स्ट वीक ऑफ मई फॉर्म निकल जाएंगे अभी। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स को लॉज खाली करने के लिए, जो हॉस्टल्स है उसे खाली करने के लिए कहा गया है,
लेकिन अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि वो सब ध्यान में होते रहेगा, लेकिन आप अगर 12th पास कर गए तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स देना ही पड़ेगा, लाइक SSC देना पड़ेगा, MTS देना पड़ेगा, SSC, बहुत सब एग्ज़ाम्स है, एयरफोर्स, नेवी, इस सब के लिए आपको मिनिमम जो पूछा जाता है वह ये इसी से रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सब यही से नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांट्स, GKS रहता है, और GK रहता है, एप्टीट्यूड रहता है साइंस। यह बात है कि जो जो आप बोले CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUCET का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं उसमें जो क्वांट्स रहेगा यानी उसमें जो मैथ रहेगा हायर लेवल 10+2 के लिए 10+2 का मैथ नहीं रहेगा, अंडर द 10+2 का मैथ रहेगा, क्योंकि उसमें जो एडमिशन जो बच्चे लेंगे उसमें आर्ट्स के भी एडमिशन होंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट देना सबको अनिवार्य है। जो पेपर फर्स्ट जो CUCET में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, लेकिन पेपर फर्स्ट तो सबको देना अनिवार्य है। उसमें जो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं उनको दिक्कत होगा, क्योंकि अगर वो 10+2 का उसमें मैथ पूछ देगा क्वांट्स में तो वह नहीं हल कर पाएंगे कम्प्लीटली, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में माहिर होता है, उसके पास अलग टैलेंट रहता है, इसीलिए वो अगर जो आर्ट्स लिया हुआ है उसके लिए तो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे ज़रूरी होता है कि तैयारी करते रहें, आपको CUCET का तैयारी करते रहें, और अगर घर में ही रहिए, सेफ रहिए, पढ़िए, और फॉर्म्स तो फर्स्ट वीक ऑफ मई आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।